नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। जीतन राम मांझी के बयान पर पूरे झारखंड में बवाल। आवेदन लेकर थाने पहुंचे परशुराम सेना और ब्राह्मण समुदाय के लोग। जीतन राम मांझी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मांझी ने कहा, राम को भगवान वो नहीं मानते। वीडियो में पंडितों के लिए अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं मांझी। सत्यनारायण भगवान की कथा को कहा झूठ। सोशल मीडिया पर तेजी से जीतन राम मांझी का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें पंडित समुदाय के खिलाफ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। वायरल हो रहे वीडियो में जीतन राम मांझी भगवान राम नहीं है ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने वायरल वीडियो में सत्यनारायण भगवान की कथा को भी झूठा कहा है। वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद पलामू में जमकर बवाल हो रहा है। परशुराम सेना के सदस्य और ब्राह्मण समुदाय के कई लोग भावना से आहत हुए शहर थाने में आवेदन लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने पलामू पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुंठित मानसिकता के जो नेता होते हैं, जिनके पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, ये जातीय विद्वेष फैला के समाज में एक राजनीतिक माहौल खड़ा करना चाहते हैं, वो हम लोग होने नहीं देंगे। और जीतन राम मांझी जी को इस पलामू की धरती से राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी ये सचेत कर रही है कि मांझी जी आप संभल जाइए। और मैं तमाम लोगों को जो आज मजे ले रहे हैं इस वीडियो पे, उनको ये सूचित करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम इष्ट भगवान श्री राम के बारे में भी वही कहा है, सत्यनारायण भगवान के कथा के बारे में भी वही कहा है। तो इन्होंने पूरा हिंदू धर्म सनातन संस्कृति पर प्रतिघात किया है। और इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि श्रीमान, अगर ब्राह्मण बचेगा तो ब्रह्मणत्व बचेगा, ब्रह्मणत्व बचेगा तो हिंदुत्व बचेगा, हिंदुत्व बचेगा तो हिंदू बचेगा, और हिंदू बचेगा तो हिंदुस्तान की समरसता बचेगी। ये हिंदू हमारा जो पाक पवित्र भूमि हिंदुस्तान है, उसकी आपसी जातीय जो समीकरण है वो बरकरार रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।